सो आयशानी माँ दुर्गा से इंस्पायर्ड है एंड इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, एक आइडियोलॉजी है जहाँ पे हम ऑल द आयशानीज ऑफ बंगाल, ऑल द वुमेन ऑफ बंगाल, उनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनकी कहानियों को सुनना चाहते हैं. सो एक इन्विटेशन है फॉर वुमेन टू राइट टू अस कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक कुछ नया स्टार्ट किया हो या उनकी अपनी एक सोच हो जो वो हम सबसे शेयर करना चाहते हैं. तो ऐसी बहुत सारी कहानियों को इनवाइट करने का एक ज़रिया है, एक प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं एक क्यूआर कोड है, एक माइक्रोसाइट है. अगर आपके घर में कोई हैं जो एक जिनको आप एक आयशानी मानते हैं, एक माता का रूप मानते हैं, एक ऐसी ऐसी नारी मानते हैं जिन्होंने अपने खुद के बलबूते में कुछ नया किया हो, एक पर्सपेक्टिव लेके आई हो जो बहुत डिफरेंट है, तो हमको आप उनकी कहानी यहाँ पे अपलोड कर सकती हैं. वुमेन के नॉमिनेट देमसेल्स, वो खुद अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो अचीव किया है, जो फील किया है, जो चेंज वो लाना चाहती हैं वो हमसे शेयर करना चाहती हैं. इसको स्टार्ट करने के लिए हमने कहानी की शुरुआत चार लेडीज़ के साथ की है. आप उनके पिक्चर्स यहाँ देख रहे हैं. एक है झूलन गोस्वामी, मिमी चक्रवर्ती, सहाना एंड परमिता. इनकी कहानियों में भी एक सीख है और उसके थ्रू वी आर ट्राइंग टू गेट मोर स्टोरीज फ्रॉम देम. टेनिस नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल पे भी है जी. और अपना ये जो कैंपेन भी है अपने अगर कर रहे हैं तो स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, तो अपने नेशनल लेवल पे भी इसको अपने प्रमोट करेंगे इसको, ये खाली स्टेट लेवल के लिए. ये हमने स्पेशली बंगाल के बनाया है, ये कैंपेन बंगाल के लिए ही है. ऐसे बहुत, ये आइडियोलॉजी नेशनल है. आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आज विमेन अपने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आ रही हैं. वो अपना एक नज़रिया साथ लेके आती हैं जो वो शेयर करना चाहती हैं. जैसे हम कहते हैं शौर्यरूपी देवी, शौर्यरूपी शक्ति. एक एंड पे देर इज़ ब्यूटी, देर इज़ स्ट्रेंथ. एक एंड में देर इज़ ह्यूमिलिटी, देर इज़ कामनेस, देर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लार्जर सोसाइटी. ये सारी क्वालिटीज़ हैं विमेन में. तो ये नेशनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो रूप है ये सिर्फ बंगाल के लिए, स्पेशली फॉर बंगाल. हर साल कुछ नया यूनिक कैंपेन लेके आता है, ये कहाँ से सोच आती है, कहाँ से लेके आते हैं? ये सोच कम्स फ्रॉम विमेन. विमेन चाहते हैं कि हम हर साल एक नई कहानी उनको प्रेजेंट करें, एक नई ज्वेलरी लेके आए. हम भी अपने आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एज ए नेशनल लोकल ज्वेलर जो हम अपने आप को बुलाते हैं. हमारे पास कुछ 450 स्टोर्स हैं, कुछ 250 सिटीज़ में हैं. हम चाहते हैं कि कुछ नया हर प्रांत में हम लेके जाएं ताकि लोग भी उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ. नई कारीगरी, नया एक इंस्पिरेशन जिससे एक नई कारीगरी आगे बढ़े, कोई पुरानी कारीगरी जिसको हम एक नया रूप दे पाएँ. सो ऑल दीज आर आर एफर्ट्स एवरी ईयर. ये सेगमेंट नहीं है सर, एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है. एंड ये अगर आप देखे जाएँ तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट तनिष्क इज ऑलवेज बीन. वो हमेशा चाहते हैं कि नई सोच को हम प्रोत्साहित करें, नई सोच के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं जो बहुत सारे लोग उस सोच को देख पाएं, उससे सीख पाएं. ये उसी का एक प्रयास है. उसके अंडर में आज जो ज्वेलरीज आप लाए हैं वो क्या रेंज में है, अवेलेबल हो गई क्या मार्केट में? एब्सोल्युटली, ये ज्वेलरी हमारे स्टोर्स में है. ये एसेंशली इंस्पायर्ड बाय ऑल पूजों में जो पंडाल हैं, जो माँ दुर्गा का जो डेकोरेशन है, जो शोली फूल हैं, उन सब से इंस्पायर होके ये ज्वेलरी बनाई गई है. एंड दे आर अवेलेबल एट आर स्टोर्स. हर तरह के प्राइस पॉइंट पे ये ज्वेलरी आपको मिलेगी. एंड आप अपने स्टोर में जब अगर इट्स बैंगल और एन ईयर रिंग और अ नेक वेयर, आप इसको किसी भी फॉर्म में एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये अभी वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है कि पैन इंडिया? ये अभी लार्ज, ये आयशानी पूरा एक प्लेटफॉर्म ज्वेलरी सब कुछ ओनली फॉर वेस्ट बंगाल. हाँ जी. अगर करंट सीनियरों में देखें तो पैन इंडिया अपने कितने स्टोर्स हैं और आगे क्या प्लानिंग है? तो हमारा यही स्टोर है कि हर हर भारतीय को यू नो तनिष्क पहनने का मौका मिले. अभी हम कुछ 450 स्टोर्स में हैं. हम चाहते हैं कि ये और बढ़ता रहे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी डिमांड आती है शहरों से कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है एक तनिष्क खोलने की. एंड ये टाटा प्रोडक्ट है तो लोगों का विश्वास है इस ब्रांड पे. और हम किसी भी शहर में जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग हमको ट्रस्ट करते हैं,
हमको बिलीव करते हैं एंड हम अपने आप को वहाँ पे एस्टैब्लिश कर पाते हैं। আপনাদের সামনে নিয়ে আসা লঞ্চ অফ বৈশাখ।